दोस्तों मेरी मटर की फसल देखी दोस्तों, ये अंकुरित हो चुकी है और इसने अभी छोटे छोटे पत्ते हैं जो वो जमीन से बाहर निकल चुके हैं। तो मतलब इस मटर को देखकर आप बता सकते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ये मेरी जो मटर की फसल है आप देख रहे होंगे, तो ये मटर की फसल है दोस्तों, ये कहीं कहीं पे ज़्यादा घनी है। मैंने इसकी सीड ड्रिल से बुआई की थी दोस्तों, सीडर से। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आप कि मेरी फसल जो है आपको वो कैसी लग रही है दोस्तों। दोस्तों जो किसान मेरे मटर की खेती करते हैं वो किसान ज़रूर बताएं मुझे कि ये फसल जो है वो सही है या मतलब ज़्यादा घनी है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, और मैं अपनी फसल का जायज़ा ले रहा हूँ दोस्तों, अपने खेत में हूँ। और आप देख सकते हैं ये सीड ड्रिल से बिजाई की थी मैंने, इसकी एक वीडियो डाली थी, महिंद्रा 265 सीड ड्रिल से बिजाई करता हुआ मटर बोता हुआ। तो वो वीडियो यदि आप देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्त। तो इससे देख रहे होंगे आप अभी, तो ये सीड ड्रिल से बिजाई हुई थी और करीब 6 दिसंबर को इसकी बिजाई की गई थी दोस्तों। 6 दिसंबर से, 6 दिसंबर से आज है दोस्तों 16 दिन, यानी 16 दिसंबर है आज। तो आज यानी 16 दिन हो चुके हैं दोस्तों इसे। तो आप फसल का निरीक्षण मैंने आपको करा दिया, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये मेरी जो फसल है तो ये सही है या खराब भी हुई है दोस्तों। क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि ये खराब है दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे तो दोस्तों घनी लग रही है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फसल कैसी लग रही है। प्लीज़ मित्रों नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखना, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें मैंने सीड ड्रिल के साथ में खाद और बीज को मिला करके फिर इसके बाद उससे बिजाई की थी मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कहीं पे पौधे जमीन के अंदर से निकल चुके हैं और कहीं पे ये देखिए अभी निकल रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये पौधा निकल रहा है, ये देखो ये निकल रहे हैं अभी। तो कहीं पर बहुत बड़े हो चुके हैं, कहीं पर निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, और अगली वीडियो में दोस्तों बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सभी किसान भाइयों को जय राम जी की दोस्तों।